नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज ये जानेंगे कि सॉफ्ट क्लोज का एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, उसका गुरु वगैरह सेट करने के लिए किस तरीके से सेटिंग करेंगे, तो आज ये जानते हैं। ये प्रोसेस चाहे प्रोफाइल शटर हो, वुडन हो और प्लाईवुड के हो, किसी में भी शटर में हो तो सेम प्रोसेस ही रहता है। जैसे ये गुरु वगैरह सेट करना रहता है, यहाँ से बाहर निकला हो तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, आज ये देखते हैं। सॉफ्ट क्लोज इंजिस को देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रू लगा रहता है और एक यहाँ पे रहता है, ये दोनों एडजस्टमेंट का रहता है। ये किसी भी कंपनी में हो, दोनों में दो स्क्रू रहते हैं। तो जैसे कि इसको टाइट करेंगे तो ये दरवाजा आगे की तरफ आएगा। जैसे अभी टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे तो दरवाजा आगे की तरफ आएंगे, और खोलेंगे तो दरवाजा पीछे की तरफ जाएगा। इसी तरीके से दोनों में सेम प्रोसेस रहता है। इसी को टाइट करेंगे तो ये दरवाजा आगे की तरफ आएगा, उसको खोलेंगे तो दरवाजा पीछे की साइड में जाएगा। और जो यहाँ जो पीछे की साइड में जो स्क्रू लगा रहता है, वो आगे से दरवाजे को एडजस्टमेंट करना रहता है कि दरवाजा पीछे से कितना लेना है अंदर। आपको मैं बंद करके बता देता हूँ अभी, जैसे समझ में नहीं पड़ेगा। जैसे ये दरवाजे का हिस्सा बाहर निकला हुआ है तो इसको थोड़ा अंदर दबाएंगे, और यहां से जैसे ये भाग यहां से बाहर निकला हुआ है, ज्यादा बाहर निकला हुआ है, तो ये छेड़े को अंदर से दबाएंगे वो एडजस्टमेंट वाला आगे वाला स्क्रू को, तो ये दरवाजा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये भाग यहाँ बाहर निकला हुआ है 6 mm या 4 mm जैसा, तो ये कोने को दबाएंगे, क्योंकि ये चीज सामने की साइड में क्लियर नजर आती है और पीछे की साइड में दीवार साइड में उतना नजर नहीं आता है, तो वो एडजस्टमेंट पीछे का जितना आउट रहता है वो पीछे में कवर हो जाता है। ये स्क्रू रहता है, इसके द्वारा वो एडजस्टमेंट होता है बाहर की साइड में, जो दरवाजा आगे पीछे में लगे रहते हैं सभी दरवाजों में। अभी जैसे ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आगे पीछे एडजस्टमेंट करना रहता है। बिल्कुल सा सिंपल है, जैसे ये इसको स्क्रू को ढीला करेंगे और दरवाजे को ऐसे खींच देंगे। जैसे ये स्क्रू लगा रहता है टाइट में, यदि बराबर नहीं है तो इसको फिर वापस लूज और कम ज्यादा करना रहता है। जैसे अभी यहाँ स्क्रू को ढीला हो जाने के बाद में इस तरीके से उसको आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट होने के बाद में यहाँ से सीधा टाइट हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।